नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बात करते हैं अमित शाह की संभागवार बैठकों को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश में ये बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए। इसके साथ ही साथ ऐसे नेता जो नाराज़ थे, बगावत कर सकते थे, उनको भी अमित शाह ने बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से कर लिया है। और मध्य प्रदेश के सभी जो अंचल हैं, सभी संभाग हैं, उसके समीकरणों को साधने में अमित शाह पूरी तरह से जुट गए। अमित शाह न केवल बीजेपी के सबसे मुख्य रणनीतिकार हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बल्कि साथ ही साथ संगठन को किस तरह से चलाना है ये उनको बखूबी आता है। अब बात करते हैं अमित शाह के हालिया मध्य प्रदेश दौरे की। 3 दिन के दौरे पर इस समय अमित शाह मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, 28, 29, 30, और लगातार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में चली आ रही है। 2018 में ज़रूर तख्तापलट हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी अभी सरकार में है। और ग्वालियर चंबल अंचल, इंदौर अंचल की बैठक अमित शाह ने ली। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। उन नेताओं को भी उन्होंने न केवल चार्ज किया जो बीजेपी से बगावत कर सकते थे। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के कुल 10 संभागों को एकजुट करने का फैसला किया है। पार्टीवार ये मीटिंग है, जिसमें हर अंचल के उन नेताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल पाया, या जो मान रहे हैं कि उनकी उपेक्षा की गई, उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई। तो अमित शाह इस बात को बखूबी जानते हैं कि इन नेताओं की नाराज़गी का असर कहीं बीजेपी को चुनाव में ना उठाना पड़ जाए, और फिर परिणाम के बाद बीजेपी इसे लेकर सोचती। लेकिन अमित शाह ने इससे आगे चलकर से पहले ही फीडबैक लेना शुरू किया। विंध्य क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ से कई नेताओं को बीजेपी में अमित शाह ने शामिल करा दिया। यानी कि अमित शाह तमाम ज़िलों का जो दौरा कर रहे हैं, वो दौरा इतना सामान्य नहीं है। ये बैठकें केवल औपचारिक बैठकें मात्र नहीं है, इन बैठकों के जरिए उन नेताओं को साधा जा रहा है जो बीजेपी से विमुख होने वाले थे या बीजेपी से नाराज़ थे। तो कहीं ना कहीं ये दौरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रणनीति के तौर पर तो है ही, साथ ही साथ बीजेपी को होने वाले नुकसान को भी अमित शाह बहुत अच्छे से भांप चुके हैं।